आछना छबड़िया नहीं क्यों तुम नहीं बोल रहे गूंगे हो तुम जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं मालूम आज बंटाएगा आज के अब 24 घंटे होने ही वाले हैं कल बंटाएगा गाना आया था जो मैराथन में सो गया तो भाई ने पूछा था क्या बोलती पब्लिक मैं सोचने लग गया ये किससे पूछ रहा है वो बंदा बह रहा है वो कैसे सुनेगा बे साइन लैंग्वेज क्या बोलती पब्लिक अबे लिख के तो दे क्या बोलती पब्लिक चला मैं मजाक नहीं कर रहा तीन जोक मेरे को पहली बार सुनते ही आ गए थे पहला जोक क्या बोलती पब्लिक मैं नहीं बताऊंगा दूसरा जोक केड़े चले करेगी नहीं नहीं तीसरा जोक क्या बोलती पब्लिक अरे चुप हो जाओ पापियो चुप हो जाओ अरे कितनी बार पूछेगा यार अरे कुछ नहीं कर रहा मैं बैठा हूँ आराम से यार दिख तो रहा तुझे पर क्या ही कर सकते बंटाए है पहले बोलता है मचा रहे कि नहीं एड़े चाले कर रहे कि नहीं फिर कहता अरे कर छोड़ दो मत करो खून लग रहा था मैं कहता तेरे कुछ गाने अब ऐसे नहीं लग रहे कि तू बाप बन गया सबका पहले कहता छोड़ डाला अब कहता एड़े चाले मत करो अरे पहले तू ही तो बोला था कर करो करो मचाएंगे ये सब अब क्या हो गया छोड़ डाले के बाद सब सुधर गया है अब गुरु ज्ञान दे रहे प्रवचन दे रहे रैप में ऐसा नहीं मुझे गाना पसंद नहीं है भाई साहब पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा यंग गालिब की पहले मैं जोक सोच रहा था जब तक बंटाई गाना था फिर यंग गालिब आया मैं कहा यार ये बंदा ना कुछ अलग है ये अलग लेवल पे है और वर्स छोड़ो रैप छोड़ो जो भी है मैं अब म्यूजिक वीडियो की बात कर रहा हूँ देख के मुझे बिगी याद आ गया यार अरे जिस वे से ड्रेसअप किया हुआ है जो नेकलेस पहना हुआ है काफी हद तक बिगी लग रहा है वो हाँ बस थोड़ा वेट कम है बट कोशिश जा रही है उसकी पूरी फैट शेमिंग नहीं कर रहा हूँ मैं ओवरऑल यार अच्छा लगा है मुझे यंग गालिब कूडोस टू हिम मुझे लगता है मैं फैन बनने वाला हूँ बन चुका हूँ वैसे बट मेरे को और गाने सुनने जरूरी हैं मैंने अभी ज़्यादा गाने सुने नहीं उसके इसके अलावा कुछ कहना हाँ कुछ लोग कह रहे थे कि गाना कॉपी है किससे बंटाए के खुद के सॉन्ग से उसका गाना आया था ना 3-4 महीने पहले क्या बोलते कंपनी बोल रहा मत करो क्या बोलती हर गाने में क्या बोलती अरे कुछ नया बोल तू भी बट बेसिकली गाना सेम नहीं है ओपनिंग काफी हद तक सिमिलर साउंड ही है और म्यूजिक वीडियो काफी हद तक सिमिलर है क्योंकि बैकग्राउंड में वही बंदे नचा रहे हैं खुद भी नाच रहा है उनको भी नचा रहा है बाकी हेयर स्टाइल के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं पता लगा लाला कि तू आया क्यों मतलब ये हेयर स्टाइल क्या है कोई लड़की ये पहन ये हेयर स्टाइल के साथ है मैं खुद रिजेक्ट कर दूंगा यार और मैं तो डेस्परेट हूँ ऐसी हेयर स्टाइल के साथ तो मैं खुद रिजेक्ट कर दूँ और तीसरी सिमिलैरिटी हो सकती है कि सेम चश्मा ग्लासेस उसने यूज कर रखे हैं बाकी तो अपने ही गाने से कॉपी क्या कोई सेंसेस बात की लोग लगे पड़े सेंस बनाने में और ऊपर से मेरे को पुरानी क्लिप किसी ने भेजी है कि कंपनी सॉन्ग से पहले का सॉन्ग है ये बहुत पुराना सॉन्ग है क्योंकि 10 महीने पहले उसका कोई व्लॉग आया था जिसमें उसने इस गाने के बारे में बात की हुई है और एक रियली बैड जो गालिब के साथ है कौन सा क्या बोलती पब्लिक क्या बोलती पब्लिक क्या बोलती हम देखो कंपैरिजन भी अनफेयर है क्योंकि वो बंटाए है अबे जब ये गाना 10 महीने पहले बना रखा है पता नहीं कंपनी कब बना के रखा होगा उसने कितने गाने लिखता है यार हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई साहब बंटाए के चैनल पे 220 वीडियो है जिनमें से मेरे को लगता है अब तक 10 वीडियो से ज्यादा ऐसी वैसी वीडियो नहीं होंगी बाकी सब म्यूजिक वीडियो है सबकी सब 210 गाने भाई साहब एक आर्टिस्ट अब और अभी पता नहीं कितने अपने रखे होंगे उसने पर्स में चलो देखेंगे आने वाले टाइम में एल्बम आ रही थी ना उसकी कोई आ रही कि नहीं आ रही बताओ ना नहीं बताओगे छोड़ो फिर बट बंटाए आया तो बंटाए के साथ एक और चीज आई है क्या रुको यार सोचने दो अबे साले हाँ बीवी के वाइंस वापस आ गए हैं भुवन बाम अपना नए एपिसोड के साथ आ गया है जहाँ पे समीर फुद्दी को इश्क हो गया है किससे 56 साल की बुढ़िया से सबसे फनी सीन जो मुझे लगा है ना वो ये है बेटी 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 अरे वाह बेटा 4 लोग के हिसाब से बुक कर रही हूँ इनकी दोनों बेटियां आ रही हैं बाकी मेरे को जानना है भुवन से भाई तेरे को किस बात का स्ट्रेस है सही तो चल रहा है सब कुछ यहाँ पे पूरा बाल सफेद दिख रहा है बट उसके बाल तो हैं दिखाने के लिए मेरे भी हैं ठीक है बकवास नीचे मुझे अबे सफेद बाल नहीं दिख रहे तीनों कैरेक्टर चाहता मैं तो सर पे स्कार्फ रहता ना तो दिखता नहीं है तीनों कैरेक्टर में नोटिस हो रहा है ऑब्जर्व हो रहा है अबे 2-3 दिन पहले मेरे भी एक बाल सफेद दिखा मेरे को मेरी क्या मैं बुढ़ा हो गया यार मैं
अब जो भी मेरे को मिलेगी वो जिंदगी भर गएगी, मतलब जितनी भी बची हुई है। मैं क्या करूं रहा, मुझको बुड्ढा मिल गया। कुछ भी हाँ। इसके अलावा क्या, नीतीश राणा आईपीएल का, अरे कुछ नहीं, वो उसकी वाइफ और उसको, वो जा रहे थे कहीं पे तो दो लौंडे पीछे पड़ गए बाइक पे, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसी हरकतें। अरे बंदे को मिलना होगा, वो रुक के मिल लेगा ना, अब बंदा अपनी बीवी के साथ जाने दे ना, हाय बोल, निकल जा अपने घर, जा चैन से बैठ, आईपीएल देख। नहीं, चेज करने लग गए। और मेरे को सबसे वियर्ड चीज लगती है, क्योंकि बंदे की फट जाती है यार, उसे थोड़ी पता तू उसका मतलब फैन है या हेटर है, चाकू ही मार दे कल को, क्या पता कुछ भी हो सकता है। हाँ तो उसने वो वीडियो बना दी थी और उसने डाल दी इंस्टाग्राम पे, अब इंस्टाग्राम उन्होंने पकड़वा दिया। अब दोनों अंडर एज थे, स्कूल जाने वाले बच्चे थे, पुलिस ने पकड़ भी लिया। उसके बाद वो थैंक यू कह रहा है कि पीटना मत। तो मैं कहा पिटने देना, तेरा क्या जा रहा है। उस दिन अगर चाकू मार देता तब, वैसे के यार स्ट्रगल कर रही है। और आज का मैच भाई साहब, हाँ पता, पहले तो मैं गुजरात को ही सपोर्ट कर रहा था कि गुजरात जीते तो भी क्या है, टॉप पे तो है ही, बट अगर लखनऊ जीत जाती है तो फिर सेकंड नंबर पे आ जाती, क्योंकि उनका नेट रन रेट ज़्यादा है। हार गई लखनऊ, मैं क्या गंभीर दिखाऊँ, मुझे गंभीर का चेहरा देखना है और गंभीरता से देखना मुझे उसका चेहरा। ये बॉय आज जिसका चेहरा नहीं देखना ना सैड, उसका चेहरा ही देखने को मिलेगा कल तक। अरे वो उनकी मालकिन है ना सनराइज हैदराबाद की, काव्या, मैंने अभी तक बचा रखी है, मैं तो सोच रहा हूँ वॉलपेपर बना दूँ इसको, मुझे बड़े सही मीम्स दिखते उसको, इससे अच्छा तो म्यूचुअल फंड में लगा देती, अरे एफडी करा देती। देखो आज मेरे बालों पे ध्यान, दो शैम्पू किया हुआ तो कुछ भी हेयरस्टाइल बन जा रही मेरी, यहाँ से लट निकल जाती है यार। लंबे बाल रखना भाई ईजी काम नहीं है, मैं इज्जत देता हूँ, मेरे को तो टाइम नहीं मिल रहा बाल कटवाने का, वरना मैं सोच रहा पूरे गंजा हो जाऊँ फिर से, फिर लंबे बाल करके फिर गंजा हो जाऊँगा मैं। अबे गंजा बहुत सही है यार, ना टेंशन किसी चीज़ की, लोग ताने मारते हैं ये गंजा गंजा गंजा, भाई बहुत सही हेयर स्टाइल है वो, नो हेयर स्टाइल इज अ वेरी बेस्ट हेयर स्टाइल। क्या इंग्लिश बोली है, हाँ वहाँ पे उनकी राइवलरी खत्म होगी, किसकी, सौरभ गांगुली और विराट कोहली की। अरे कल का मैच था वो, उन्होंने हाथ मिला लिया, लोग खुश हो गए, अरे खत्म हो गया। मैं कहा खत्म क्यों हो गया, मुझे तो चाहिए था कि एक और बार दिखे, मैं तो दुआ करता हूँ कि हो। और मेरी तो रिक्वेस्ट है जियो सिनेमा से कि अगर हो तो सिर्फ एक कैमरा उन्हीं जगह पे होनी चाहिए, ये इधर उधर की बात थोड़ी देखनी, मुझे ऑडियंस थोड़ी देखनी है, वो इंटरेस्टिंग है, वो एंटरटेनमेंट है, वो दिखाओ ना, वो नहीं दिखाना हमें। वहाँ पे वसीम अकरम कहता है कि धोनी अगर आरसीबी में होता 3 ट्रॉफी तो ऐसे जिता देता, तू अपना पाकिस्तान प्रीमियर लीग पर ध्यान दे ना, क्या है बीसीएल पता नहीं जो भी है वो, भाई सब कुछ भी चलता है पाकिस्तान में, कुछ नहीं बोलने वाला उनके लिए, उनके लिए जो भी सही है वो कर रहे अपना। और क्या, हाँ न्यूज बॉय की क्लिक बेट की, विराट कोहली दिल्ली में जा रहा है, और न्यूज पता क्या है, कुछ भी नहीं, केविन पीटरसन ने कल दिल्ली में मैच था, विराट कोहली खेल रहा था, 50 मार दी, और वो उसने बोल दिया कि हाँ ऐसा होता है कि बड़े बड़े प्लेयर अपने स्टेट के लिए खेलते हैं, अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, जो भी फ्रेंचाइजी लीक होती है उनकी, तो दिल्ली को ट्रेड करना चाहिए आरसीबी के साथ कि विराट कोहली को दिल्ली को दे दे, और ये पोल था, तो 50% से ऊपर ने बोल दिया दिल्ली को ले लेना चाहिए। मैं कहा आरसीबी वाले छोड़ेंगे, वो किंग कोहली के नारे लगा रहे हैं, आरसीबी कल हार गई है, वो किंग कोहली के नारे लगा रहे हैं, हाँ इस साल कप नाम दे, यही है ना, मैं नहीं बताऊंगा। बाकी वीर न्यूज में बिहार बिहार और यूपी से ही आती है मेजरली न्यूज तो। अरे समस्तीपुर है बिहार में एक जगह, तो वहाँ पे एक बंदा था कोई झाजी करके, हाँ अपने जात बिरादरी का था, तो उसके पास स्कूटी थी, तो उसको 2020 का चालान भेजा गया कि तुमने स्कूटी पे सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, 1000 रुपये का चालान। अब तो बढ़ गए, बंदा सोच उसका तो पता है मुझे फट गई होगी, मैं कहा स्कूटी पे कब से लगाने लग गए सीट बेल्ट, साला मुझे वो फुटेज याद आ गया जहाँ पे रेडी वाला हेलमेट पहन के घूम रहा था, क्या पता उस पर भी चालान काट दे, कुछ भी हो रहा भाई साहब। अरे सही बता रहा हूँ, फेन में एक बंदे ने अपने सर के ऊपर गड्ढा करवा लिया, स्कल में जो हड्डी है सर की उसमें होल कराया है ताकि वो हाई रह सके। मैं कहा अगर तूने ये सोचा है ना, तू वैसे ही हाई है मेरे भाई, इतनी भी मेहनत क्यों करवा रहा है, यानी तीसरे ही ले ले तू सीधा सर, कौन करेगा रोल जॉइंट, सर में लगा के फूफू कर देंगे अबे कुछ भी। हाँ बाकी खत्म, बस इतना ही है। बाकी कल क्या करने बताओ ना, कुछ इंटरेस्टिंग कल का वीडियो मेरे को अच्छा लगा, साला व्यूज नहीं आए आज का पता नहीं, साला दिन में कोई वीडियो नहीं देखता मेरी, मैं इतना खूबसूरत हूँ कि लोग रात में ही देखते हैं मुझे।
चल मैं पिज्जा।